फ्रेंड्स, मालवा रेसिपी ब्लॉग को मैं आपका स्वागत है। आज हम कुछ व्रत के लिए बनाने जा रहे हैं और व्रत के लिए हम मीठी चीज बनाने जा रहे हैं। हमारी आज की रेसिपी रहेगी बगर की खीर है। इसे कई जगह पे मोरधान खीर भी बोला जाता है और कई जगह इसे समा खीर भी बोला जाता है। तो उसके लिए मैं सामग्री बता देती हूँ। फ्रेंड्स, रेसिपीज बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा मालवा रेसिपी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए राइट बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और पास में दी गई बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर रेसिपी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सामग्री में फ्रेंड्स मैंने लिया हुआ है एक कटोरी भगर है। आप देख सकते हैं ये मोरधान में बोला जाता है। मालवा क्षेत्र में इसे मोरधान के नाम से जाना जाता है और समा के नाम से जाना जाता है। आप फोटो देख के समझ जाइएगा कि ये किस तरह का होता है। ये चावल के जो टुकड़े होते हैं उसी प्रकार से दिखता है। अगर आप किसी भी मार्केट में खरीदने जाते हैं तो भगर के नाम से इसे जाना जाता है। और मैंने ये शक्कर ली हुई है। शक्कर आप देख सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने ये एक कटोरी पूरा भरा हुआ भगर लिया है तो इसे थोड़ा खाली कटोरी है। ये मैंने शक्कर ली हुई है और मैंने आधा के जी दूध लिया हुआ है। ये अच्छा वाला दूध है, गाढ़ा वाला। और मैंने ये जो देख सकते हैं किशमिश है, 10 से 12 किशमिश लिए हुए हैं। दो मैंने छोटी इलायची ली है और 5 मैंने इसमें बादाम ली हुई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो भगर है मैंने इनको धो लिया है, आप देख सकते हैं इसे धो के रखा हुआ है। तो चलिए हम अब बनाते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये जो है भगर को पकाने के लिए मैं इसे दूध में नहीं पका रही हूँ। सबसे पहले हम इसे पानी में पकाएंगे। तो मैंने ये गर्म पानी रख दिया है, 2 छोटे ग्लास गर्म पानी रखा हुआ है। तो अब इसके अंदर हम हमारा जो भगर है इसको हम डाल देंगे और पकने देंगे। इसे पानी में ही पकाएंगे, दूध को हम ऊपर से डालेंगे। इसे गाढ़ा बनाना है एकदम दलिये की तरह। तो हमने इसे डाल दिया है और अब हम इसे पकने देंगे और बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। कम से कम इसमें 10 मिनट तो लगेंगे इसको पकने में। तो बीच बीच में और चेक करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने ये जो भगर है इसको ढक के रखा हुआ है और 10 मिनट हो चुकी है। मैंने इसे धीमी आंच में ढक के रखा हुआ था, बीच बीच में हिला दिया है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी पक गई है और आप देखेंगे तो इसकी क्वांटिटी भी काफी बढ़ गई है, फूल के एकदम बहुत ज्यादा हो गई है, आप देख सकते हैं। और ये पक गई है, आप इसे बहुत इजीली ही पता चल जाएगा कि किस तरह से पकी है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा दिख भी रही है और इस तरीके से दबाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये देखिए अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें हमारी जो चीनी है इसको ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया कि अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो दोनों की क्वांटिटी बराबर कर लें और अगर कम खाते हैं तो थोड़ा कम डाल दें, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम ये दूध को ऐड कर देते हैं। दूध को थोड़ा थोड़ा ऐड करना है फ्रेंड्स। थोड़ा अगर हमने डाल दिया है तो पहले अच्छे से हिला लेंगे इसको। और अब हमारी जो इलायची है इसे भी डाल देंगे। ये जो हमारे इलायची हमने डाल दिया है और ये जो हमारे इसमें से इन्हें भी ऐड कर देते हैं और थोड़े ही दूध में हम इनको पकने देते हैं। बाकी ये जो हमारी बादाम है इसको काट के डालेंगे। मैं बादाम को काट लेती हूँ तब तक ये पक रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने अच्छे से इसको मैश कर दिया है और इस तरीके से करेंगे तो ये अच्छे से घुल जाएगा ये जो हमारा भगर है। और अब मैंने ये जो बादाम है इनके पीसेस काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इसको ऐड कर दिया है और बाकी का जो हमारा दूध है फ्रेंड्स मैंने ये दूध गर्म करके रखा है। तो ये जो दूध है अब हम इसमें पूरा ऐड कर देंगे। हमने 10 मिनट गर्म पानी कर लिया था और 10 मिनट तक इस भगर को पकाया है। काफी अच्छे से पक चुका है और देख सकते हैं ये अगर आपके घर में किस तरीके से खाते हैं, अगर गाढ़ी खीर खाते हैं, वैसे भी ये गाढ़ी हो जाती है इतने पर भी रहेगी ना, तो ये रखे रखे बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं इसमें ये जो दूध है इसको पूरा ऐड कर देती हूँ और ये देख सकते हैं ये काफी बढ़ गई है हमारी जो खीर है। और अब हम इसे 5 मिनट तक और पकाएंगे और ऐसे चलाते रहेंगे बीच बीच में, हाथ बंद नहीं करेंगे, लगना नहीं चाहिए। इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है फ्रेंड्स और बनाना भी बहुत ही इजी है। कम सामग्री में ये जो खीर है वास वाली ये बहुत कम सामग्री में बन भी जाती है। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं, रख के और बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, अब हमारी खीर जो है काफी गाढ़ी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और मैंने इसे बीच बीच में हिलाया भी है और ये जो हमारी खीर है ये बहुत ही बढ़ गई है। मैंने इसे आपको बताया कि एक कटोरी की बनाई है
और अब मैंने इसे मेजरमेंट नहीं किया है, मैंने इसी प्रकार से मेजरमेंट आपको बताया कि कटोरी के हिसाब से ली है। आप अगर इतनी भी एक कटोरी भी खीर बनाएंगे तो आप 8 से 10 लोगों को खिला सकते हैं। अगर 10 से 12 लोगों को भी खिलाना चाहें तो और भी दूध ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी होने के बाद बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फूलती है ये जो खीर है। और फ्रेंड्स ये बता दूँ कि अगर आपको मार्केट में ये अगर ना मिले समा और ये जो मोर धान है ये अगर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो भगर का पैकेट है मैंने मार्केट से लिया है। अगर आपके आसपास कोई मार्केट में ना मिले तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, लिंक दी है डिस्क्रिप्शन पे और वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं भगर आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया है और हम गैस को बंद कर देते हैं। खीर हमारी काफ़ी अच्छी बन गई है, काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, तो गैस को हम बंद कर देते हैं और ठंडा होने का इंतजार करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो खीर है भगर की खीर है ये बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको खा सकते हैं, उपवास में भी खा सकते हैं, हम इसे अदर फंक्शंस में भी बना के खा सकते हैं, कोई भी तीज त्यौहार में बना सकते हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, और आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करें और आप बताएं कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और लाइक और शेयर करना तो फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा मालवा रेसिपी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको और भी नई नई रेसिपी मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे malwarecipes.com में जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। हैप्पी कुकिंग।